मटर की फसल में बहुत सारे रोग लगते हैं, जिनमें उकठा, चूर्णिलासिता, मृदुरोमिलासिता, एस्कोकाइटा झुलसा और रतुआ प्रमुख हैं। आज हम मटर के रस्ट यानी रतुआ रोग के बारे में बात करेंगे। यह रोग यूरोमाइसिस फैबे नामक फफूस से होता है। इसके अलावा यूरोमाइसिस पाइसाई प्रजाति भी इस रोग को कर सकती है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। इस रोग के लक्षण पौधों के सभी हिस्सों जैसे पत्तियां, तना और फलियों में दिखाई देते हैं। इस रोग के शुरुआत में पत्तियों तथा तनों पर बहुत ही छोटे क्रीम या हरे रंग के थोड़ा सा उभरे हुए पस्टूल बनते हैं। यह फफूंद सभी 5 प्रकार के स्पोर्स बनाता है, जिनमें पिकनियो स्पोर है, एसियो स्पोर है, यूरिडो स्पोर है, टीलियो और बेसिडियो स्पोर्स हैं। इसलिए इस फफूंद को मैक्रोसाइक्लिक रस्ट भी कहा जाता है। जब इन पस्टूलों में एसियोस्पोर बनते हैं तो ये थोड़ा सा पीले रंग के हो जाते हैं। जब इन पस्टूलों में यूरिडोस्पोर बनते हैं तो ये गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और टीलियोस्पोर बनने पर ये काले हो जाते हैं। जब मटर की फसल खेत में नहीं होती है तब यह फफूंद टीलियोस्पोर की मदद से ही फसल के अवशेषों और मिट्टी में जिंदा रहता है। ज्यादातर टीलियोस्पोर तनु और डंठलों पर बनते हैं, जहां पर ये तनों के एपिडर्मस को फाड़कर बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। यह कवक अपना पूरा जीवन चक्र मटर के पौधों में ही पूरा करता है, इसलिए इसे ऑटोसियस रस्ट भी कहा जाता है। इस रोग के साथ ही यदि मटर में एफिड और लीफ माइनर का अटैक हो तो ये कीट इस रोग को और ज्यादा फैला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। मटर की तुड़ाई के बाद ग्रसित पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए जिसमें दलहन की फसलों को नहीं लगाना चाहिए, मिश्रित फसल लगानी चाहिए, मटर की रोग अवरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। अगर यह रोग खेत में बहुत ज्यादा आ रहा हो तभी फफूनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। फफूनाशक सल्फर 80% WP की 1 किलोग्राम मात्रा का 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, या ट्राइडीमेफोन 25% WP की 0.1% की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बिनोमिल और बेवेस्टीन का 0.1% के हिसाब से 2 स्प्रे कर सकते हैं।